অর্থের বিনিময়ে তৃণমূল পঞ্চায়েতে পার্টি করানো হচ্ছে অভিযোগে শনিবার রাতে তৃণমূল কংগ্রেসের কালচিনি ব্লক কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখালো কালচিনি মোদি লাইন ও কালচিনি স্টেশন লাইন এলাকার তৃণমূল কর্মীরা। তৃণমূল কর্মীদের অভিযোগ, তৃণমূলের কালচিনি অঞ্চল সভাপতি শঙ্কর কুজুরু পার্টি দেওয়ার জন্য মোটা অঙ্কের অর্থ দাবি করেছে। কালচিনি স্টেশন লাইন এলাকার তৃণমূল কর্মীদের অভিযোগ, মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে অন্য এলাকার ভোটারকেদের এলাকায় পার্টি করানো হচ্ছে। শনিবার কালচিনি মোদি লাইন ও কালচিনি স্টেশন লাইন এলাকার তৃণমূল কর্মীরা তৃণমূল কংগ্রেসে কালচিনি ব্লক কার্যালয়ের সামনে এসে বিক্ষোভ দেখায়। ওই সময় তৃণমূল ব্লক কার্যালয়ে উপস্থিত ছিল তৃণমূল যুব ব্লক সভাপতি পবন লামা, তৃণমূল কংগ্রেসের কালচিনি ব্লক সম্পাদক হায়দার আনসারি। যদিও এই বিষয়ে দুজন কোনো মন্তব্য করেনি। যদিও এই বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কালচিনি অঞ্চল সভাপতি শঙ্কর কুজুরু জানান, এখনও জেলা কমিটি প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেনি, আমি নিজেও জানি না কে প্রার্থী হচ্ছে। किस विषय पे आप लोग आके हल्ला कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा बताओ। यहाँ पे दो महीना से हमारा कैंडिडेट के लिए चुनाव हो रहा था, हमें रखा गया था कि हमको टिकट देंगे, हमसे पैसा का डिमांड किया गया, हमसे कॉल पे व्हाट्सएप कॉलिंग पे बात होता था उनका, वो मुझको से पैसा का डीलिंग किया हमने, उसको उनको बोला कि ठीक है मैं आपको पैसा दूंगी। कौन, तो हमको कौन डीलिंग करें, कौन डीलिंग किया? शंकर कुजूर। कौन है वो? अंचल प्रेसिडेंट। क्या हुआ फिर उसके बाद? हम बोले ठीक है आपको पैसा देंगे, हम 1 लाख रुपए मांगे थे, हम बोले ठीक है आपको हम 50,000 रुपए देंगे, और 50,000 रुपए वो हमसे वोट का टाइम खर्च करने के लिए मांगे थे। अभी क्या हुआ? अभी वो क्या किए कि हमको बोले कि तुम्हारा नाम हम डिस्ट्रिक्ट में भेजे हैं, लेकिन मेरा नाम डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, और डिस्ट्रिक्ट के लोग मेरे लिए लड़ाई किए। हमको बहुत अच्छा लगा कि चलो डिस्ट्रिक्ट मेरा साथ है, ब्लॉक प्रेसिडेंट मेरा साथ है, हैदर भाई मेरा साथ है, पवन भाई मेरा साथ है, लेकिन ये अंचल प्रेसिडेंट जो है उनको हमको जवाब यहाँ पे चाहिए कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या पैसा लेके टिकट बिक्री हो रहा है क्या? टिकट लिया है, पैसा लिया है वो। जब उनको देना नहीं था तो उनसे पैसा का डीलिंग क्यों किया? डीलिंग किया मेरे साथ में उनको दिए टिकट, क्या बात है, ऐसे पार्टी चलता है क्या? क्या नाम आपका? जूही चौधरी। कौन सा पार्टी है? कालचीनी मोदी लाइन। किस विषय पे आप लोग आके हल्ला कर रहे हैं, क्या विषय है? बोलिए। मेरा जो कैंडिडेट हम लोग खड़ा किया था उनको टिकट नहीं मिला, ये पैसे के बलबूते में चल रहा है, पैसे के बलबूते में मैंने टिकट दूसरों को दे रहा है, प्लस हमारा शंकर कुजूर अंचल प्रेसिडेंट, प्लस हमारे गांव में हम किसको पंचायत खड़ा करने के लिए, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ब्लॉक प्रेसिडेंट शंकर भैया 2 दिन में बस बिक्री हुए। अभी क्या समस्या हो रहा है आप लोग को? हम लोग का समस्या हो गया है कि हम लोग जिस कैंडिडेट को खड़ा करना चाहते थे गांव का आदमी का पूरा हस्ताक्षर सिग्नेचर पूरा किया हुआ है, लेकिन प्लस प्रेसिडेंट से लेकर लीडरशिप को गांव का आदमी टोटल हम लोग का साथ है, उसको टिकट नहीं मिला, दूसरा को मिला। वो क्या दूसरा वोट का है? आदर्श पार्ट का आदमी है और हमारा पार्ट में ढुक के वो टिकट लिया है। इस पर मेन समस्या है शंकर कुजूर। कौन है वो? अंचल प्रेसिडेंट है। क्या पैसा लेकर टिकट बिक्री कर रहे हैं क्या? अब खेल तो वही खेल रहा है ना, खेल तो वही खेल रहा है ना, पैसा अब हम लोग गांव में एक एक टो मेरा पास फोटो है, मेरा पास मीटिंग का फोटो है, एक एक तो फोटो है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम जिस पंचायत को खड़ा करना चाहते हैं हमारे गांव समाज से, हम उसी पंचायत को देखना चाहते हैं। क्या नाम आपका? अपने पार्ट का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम लामा है। कौन सा पार्ट? मैं 11/166 कालचिनी मैं
भूज कमेटी के सेक्रेटरी हूँ। অর্থের বিনিময়ে তৃণমূলে পঞ্চায়েতে পার্টি করানো হচ্ছে অভিযোগে শনিবার রাতে তৃণমূল কংগ্রেসের কালচিনি ব্লক আরতলার সামনে বিক্ষোভ দেখালো কালচিনি মোদি লাইন ও কালচিনি স্টেশন লাইন এলাকার তৃণমূল কর্মীরা। তৃণমূল কর্মীদের অভিযোগ, তৃণমূলের কালচিনি অঞ্চল সভাপতি শঙ্কর কুজুর প্রার্থী দেওয়ার জন্য মোটা অঙ্কের অর্থ দাবি করেছে। কালচিনি স্টেশন লাইন এলাকা তৃণমূল কর্মীদের অভিযোগ, মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে অন্য এলাকার ভোটারকে তাদের এলাকায় প্রার্থী করানো হচ্ছে। শনিবার কালচিনি মোদি লাইন ও কালচিনি স্টেশন লাইন এলাকা তৃণমূল কর্মীরা তৃণমূল কংগ্রেসের কালচিনি ব্লক কার্যালয়ের সামনে এসে বিক্ষোভ দেখায়। ওই সময় তৃণমূল ব্লক কার্যালয়ে উপস্থিত ছিল তৃণমূল যুব ব্লক সভাপতি পবন লামা এবং তৃণমূল কংগ্রেসের কালচিনি ব্লক সম্পাদক হায়দার আনসারি। যদিও এই বিষয়ে দুজন কোনো মন্তব্য করেনি, যদিও এই বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কালচিনি অঞ্চল সভাপতি শঙ্কর কুজুর জানান, এখনো জেলা কমিটি পার্টি তালিকা ঘোষণা করেনি, আমি নিজেও জানি না কে প্রার্থী হচ্ছে। পার্টি কার্যালয়ে আপনার বিরুদ্ধে একটা স্লোগান হচ্ছে কি আপনি মানে নিজের ইচ্ছার মতন ক্যান্ডিডেট করছেন, হ্যাঁ, অন্য পার্টের লোককে ক্যান্ডিডেট করে দিচ্ছেন, তারপরে এমনকি টিকিটের জন্য আপনি টাকাও চাইছেন, এরকম অভিযোগ করেছে, কি বলবেন এই ব্যাপারে? এরকম তো হয়ে মতলব কি পার্টি হমলোক সে সার্ভে করকে নাম মাঙ্গা থা তিন করকে হমলোক তিন করকে কিন্তু নাম ভেজ দিয়া পার্টি কো আইপেক মাঙ্গা থা আইপেক কো দে দিয়া জেলা আমার কা জো হ্যাঁ সংগঠন ও মাঙ্গা থা হমলোক দে দিয়া ব্লক মাঙ্গা থা দিয়া তিন করকে তিন তিন মে নাম জো আপকা সার্ভে সার্ভে জো কিয়া হ্যায় আইপেক তো সার্ভে কিয়া হ্যায় পার্টি সার্ভে কিয়া হ্যায় সার্ভে করনে কা বাদ মে অভি তক কিন্তু ফাইনাল নেই হুয়া হ্যায় ফাইনাল দু দিন কা বাদ মে লোক আইপেক ডিক্লেয়ার করেগা ডিস্ট্রিক্ট ডিক্লেয়ার করেগা या ब्लॉक डिक्लेयर करेंगे इसको तो अभी ये लोग कैसे पता चल रहा है कि ये लोग का नाम नहीं है बोलिए और हमको तो ये पता नहीं है कि अभी हम लोग का हाथ में भी फाइनलिस्ट नहीं दिया है अभी तक नहीं दिया है हमको भी हम लोग को भी क्लियर पता नहीं कि कौन होने वाला है कौन नहीं होने वाला है अभी तक क्लियर पता नहीं है तो ये कहाँ से ये लोग को ये सब न्यूज सब मिल रहा है हम लोग को पता नहीं है और दूसरा बात ये है कि पार्टी जिसको टिकट देगा उसके लिए ही सांगठनिक काम करना काम करने का दायित्व तो हम लोग का बनता है और मेरा तरफ से उस तरीके का कोई भी मतलब पर्सनल इसको देना पड़ेगा उसको देना पड़ेगा बल्कि इस तरीके का कोई भी नहीं गया है पार्टी के पास किंतु विभिन्न जगह से नाम सब आया था मतलब प्रस्ताव सब और पार्टी किंतु इंक्वायरी करने के बाद में ही कोई निष्कर्ष का जगह में निकलेगा और उसका बाद में फाइनल डिसीजन पार्टी ही सुनाएगा ये फाइनल डिसीजन मैं सुनाने वाला कोई नहीं हूँ मेरा उच्चतम जो पार्टी के अधिकारी सब है वही आपका फाइनल डिसीजन सुनाएंगे और आज में हम लोग का जो मीटिंग हुआ है उसके बाद फाइनल डिसीजन कंप्लीट पार्टी ही सुनाएगा। वो लोग ऐसा भी आरोप किए कि आपने टिकट के लिए पैसा मांगा है बोलकर, ऐसा कोई अगर एक भी प्रमाण हमको दिखा दे तो मैं तो पोस्ट से रिजाइन कर दूंगा। ऐसे आदमी लोग को मैं चैलेंज करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई एक भी प्रमाण दिखा दे कि टिकट के लिए अगर पैसा लिया है तो मैं अपना पोस्ट से रिजाइन कर दूंगा। इस तरीके का एलिगेशन अभी तक मेरे ऊपर नहीं लगा है लेकिन अभी हमको लग रहा है कि बौखला गया है आदमी लोग, उन लोग का नाम नहीं आ रहा है बोल के सर्वे में जनहित से आदमी लोग से पूछा जा रहा होगा, सर्वे हो रहा होगा तो इसमें उन लोग का नाम नहीं आने से डर गया होगा, हाँ नहीं आ रहा है। सबको तो अभी टिकट चाहिए, अब टिकट तो मिलेगा एक को, पार्टी की तरफ से टिकट एक को मिलेगा और अभी किसको मिलेगा और जिसको नहीं मिलने वाला है वो समझ गया है कि उसको नहीं मिलने वाला है, जनगण उसको समर्थन नहीं कर रहा है वो समझ चुका है, इसलिए शायद इस तरीके का बेबुनियादी आरोप सब मरा जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम शंकर बुजुर्ग, कालचिनी तृणमूल कांग्रेस